दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार के टॉप बड़ी न्यूज को देखेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। आज की पहली खबर में देखिए, बिहार के 3 करोड़ मजदूरों के लिए अच्छी खबर, दिहाड़ी बढ़ी, अब हर दिन न्यूनतम मजदूरी इतने रुपए मिलेंगे। जी हां, बिहार में न्यूनतम मजदूरी में 7 से 11 रुपए तक की वृद्धि की गई है। परिवर्तनशील महंगाई भत्ता के तहत मजदूरों को इस वृद्धि का लाभ 1 अक्टूबर यानी आज से दिया जाएगा। इस वृद्धि के बाद अब अकुशल कोटे के मजदूरों को कम से कम 373 रुपए रोजाना मिलेंगे। संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम के सहमति के बाद विभाग की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरकार के इस आदेश का लाभ राज्य के 3 करोड़ कामगारों को होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 27 सितंबर को बिहार न्यूनतम मजदूरी परामर्शदात्र परिषद की बैठक हुई थी। इसमें तय हुआ कि सामान्य कार्य के नियोजन में काम करने वाले अकुशल श्रेणी के मजदूरों को 366 रुपए रोजाना में 7 रुपए वृद्धि की जाएगी। वहीं अर्ध कुशल कोटे में काम करने वाले कामगारों को 380 रुपए रोजाना में 8 रुपए की वृद्धि की गई है। वहीं कुशल श्रमिकों को 463 रुपए रोजाना में 9 रुपए की वृद्धि की गई है। इसी तरह अति कुशल श्रमिकों को 566 रुपए रोजाना में 11 रुपए वृद्धि करते हुए 577 रुपए दिए जाएंगे, जबकि लिपिकीय व पर्यवेक्षक काम करने वालों को 10,478 रुपए महीना के बदले 210 रुपए वृद्धि करते हुए 10,688 रुपए महीना दिए जाएंगे। न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलने पर कामगार संबंधित प्रखंड के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी या पटना में नियोजन भवन में आवश्यक श्रम संसाधन मुख्यालय में आवेदन दे सकते हैं। बड़ी खबर में देखिए, अमित शाह फिर बिहार आएंगे। 11 अक्टूबर को चपरा में बीजेपी का सहकारी सम्मेलन जेपी जयंती पर सितारा दियारा भी जाएंगे। जी हां, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 11 अक्टूबर को फिर से बिहार में आएंगे। वे लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनके जन्म स्थली सारण जिले के सितारा दियारा जाएंगे तथा जेपी को श्रद्धांजलि देंगे। आपको बता दें कि पिछले ही सप्ताह 23 और 24 सितंबर को अमित शाह बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर आए थे। किशनगंज में उन्होंने पार्टी नेताओं से कहा था कि वे हर माह बिहार आएंगे, जरूरत पड़े तो माह में 2 बार भी आएंगे। महज सप्ताह भर में उनके बिहार दौरे का दूसरा कार्यक्रम तय हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने 11 अक्टूबर को गृह मंत्री के 1 दिवसीय बिहार दौरे की जानकारी दी है। बाड़ी घर में देखिए, जगदानंद के बयान पर तेजस्वी की सफाई, मुझे सीएम बनने की हड़बड़ी नहीं, लेकिन ये नहीं कहा कि नीतीश 2025 तक सीएम बने रहेंगे। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 2023 में सीएम पद छोड़ने के मामले में तेजस्वी प्रसाद यादव की सफाई आई है। तेजस्वी ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं है, इसलिए पार्टी के नेताओं को ऐसे बयानों से बचना चाहिए। लेकिन तेजस्वी ने यह भी नहीं कहा कि नीतीश 2025 तक सीएम बने रहेंगे। उन्होंने ये जरूर कहा कि नीतीश कुमार के लिए देश को देखना जरूरी है। खबर ये है कि नीतीश समेत के दूसरे नेताओं की गुहार के बाद तेजस्वी ने राजद नेताओं को शांत रखने के लिए सफाई दी है। तेजस्वी यादव ने कल मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में हमारी सरकार बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही है, कुछ बयान आते रहते हैं, इन बयानों से लोगों को बचना चाहिए, हमारी कोई लालसा नहीं है और कुछ बनने की ओर हमें कोई हड़बड़ी भी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि भाजपा और आरएसएस को हम लोग गद्दी से कैसे हटाने का काम करें। बिहार के धरती से हमने हटा दिया और अब देश की गद्दी से यानी केंद्र सरकार को हटाना है। बाड़ीघर में देखिए, बिहार में और सख्त होगी शराबबंदी, शराबियों के घर चिपकेगा पोस्टर, दूसरी बार पी तो जाएंगे जेल। जी हां, पहली बार शराब पीने वाले अभियुक्त के घरों में बाहर चेतावनी पोस्टर चिपकाया जाएगा। इसमें शराबी के नाम, पिता का नाम और विस्तृत पदे के साथ ही वह जिक्र होगा कि पहली बार शराब पीने के अपराध में जुर्माना देकर अभियुक्त को रिहा किया गया है। अगर यह दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़े जाते हैं तो इस बार निश्चित रूप से 1 वर्ष के लिए जेल जाना होगा। वहीं पोस्टर चिपकाने गए अधिकारियों को अगर संदेह हुआ तो वह अभियुक्त की ब्रेथ एनालाइजर से जांच भी करेंगे। शराबबंदी को और सख्ती से लागू करने को लेकर मद निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने यह निर्णय लिया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी जिलों के मद निषेध अधीक्षकों को इस संबंध में कार्रवाई का निर्देश भी दिया है। बाड़ीघर में देखिए, बिहार में रोजगार का शानदार मौका, गाय खरीदने के लिए 75% मदद तो गौशाला बनाने का पूरा खर्चा दे रही है सरकार। जहां बिहार के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इनमें डेयरी से जुड़ी योजना ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में समान रूप से लोकप्रिय है। सरकार के अलग अलग स्कीमों के जरिए आप नहीं के बराबर लागत में दूध का व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। गाय खरीदने के लिए बिहार सरकार के पशुपालन विभाग की समग्र गव्य विकास योजना से मदद मिलती है। इसी तरह
गौशाला बनाने के लिए आपको मनरेगा योजना के तहत पूरी मदद मिलेगी। गौशाला बनाने के लिए आपको केवल अपनी जमीन देनी होगी। बिहार के पशुपालक अपने निजी भूमि पर गौशाला का निर्माण मनरेगा के तहत मुफ्त में करा सकते हैं। मनरेगा योजना के तहत पशु शेड का निर्माण किया जाएगा। इस पर सरकार 1,60,000 रुपए तक खर्च करेगी। ग्रामीण कार्य विभाग ने मनरेगा के तहत होने वाले कार्य क्षेत्र को बढ़ाते हुए जिले में नई पहल शुरू की है। साथ ही मुर्गी पालन का शौक रखने वाले या बेरोजगार युवक भी इस योजना से अपने निजी भूमि पर 1,60,000 की लागत से पोल्ट्री फार्म का भी निर्माण करा सकते हैं। मुर्गी पालन करके अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शेड निर्माण के लिए आम लोगों को रोजगार सेवक के पास आवेदन या ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा। इसके बाद ग्राम पंचायत से स्वीकृति मिलने के बाद इस शेड का निर्माण किया जाएगा। बाड़ी घर में देखिए, बिहार में दूर होगी बालू की किल्लत। नए नियम के तहत आज से होगा खनन। जी हां, घर बनाने वालों के लिए अच्छी खबर। बिहार में आज से बालू का खनन शुरू हो जाएगा। बालू माफियाओं पर सरकार की सख्त कार्रवाई की वजह से 3 माह से राज्य में बालू का खनन बंद था। शनिवार से इसे विधिवत शुरू कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार अगले 3 महीने तक पुराने बंदोबस्त धारी ही बालू घाटों पर खनन करेंगे। बालू की किल्लत और बढ़ती कीमतों को देखते हुए सरकार ने 3 महीनों के लिए उनके कॉन्ट्रैक्ट को विस्तार दिया है। बताया गया कि नया प्रावधान 1 अक्टूबर से ही लागू हो जाए। मतलब यह कि आज से राज्य में बालू महंगा बिकेगा। वहीं खनन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 25 दिसंबर तक इन एजेंसियों के पास बालू खनन का अधिकार रहेगा। इस दौरान प्रशासक की कड़ी निगरानी और देखरेख में बालू का खनन किया जाएगा ताकि आम लोगों को बालू की किल्लत से निजात दिलाया जा सके। बाड़ी खबर में देखिए, बिहार में 67वीं बीपीएससी पेडे का परीक्षा संपन्न। 15 नवंबर तक आएगा रिजल्ट। कदाचार मुक्त परीक्षा के 3 उपाय रहे सफल। 103 से 106 रह सकता है जनरल का कटऑफ। जी हां, बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं पेडे परीक्षा संपन्न हो गई है। राज्य भर में 1153 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा आयोजित हुई। 4.75 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह कदाचार मुक्त हुई है। उन्होंने कहा कि इसका परिणाम 15 नवंबर तक आ जाएगा। मुख्य परीक्षा दिसंबर तक ले ली जाएगी। हम अभ्यर्थियों को आरक्षित कोटे में परिवर्तन का मौका भी देंगे। वहीं एक्सपर्ट के अनुसार सामान्य श्रेणी का कटअप 103 से 106 के आसपास रह सकता है। परीक्षा समाप्ति के बाद गुरु रहमान ने कहा कि पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल आसान प्रश्न आए थे, जिसके कारण कटअप थोड़ा हाई जा सकता है। बाड़ी कर में देखिए, वाहनों में अगले वर्ष से 6 एयरबैग जरूरी। जी हां, केंद्र सरकार ने कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य करने का प्रस्ताव 1 साल के लिए टाल दिया है। यह नियम अब 1 अक्टूबर 2023 से लागू होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को यह ट्वीट करके जानकारी दी है। इससे पहले यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर 8 सीट वाले वाहनों में 1 अक्टूबर 2022 से 6 एयरबैग लगाना अनिवार्य किया गया था। गडकरी ने कहा कि वाहन उद्योग को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में आ रही बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापक आर्थिक परिदृश्य पर इसके असर के मद्देनजर यात्री कारों में न्यूनतम 6 एयरबैग अनिवार्य करने के प्रस्ताव को अगले साल तक टाला गया है। बाड़ी खबर में देखिए, पटना में एक दिन में 1.5 गुना बड़े डेंगू पीड़ित। 170 नए मरीज मिले। जी हां, पटना में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा डेंगू पीड़ित मिले हैं। एक दिन में नए डेंगू पीड़ितों की संख्या 1.5 गुना बढ़ गई है। कुल 170 नए डेंगू पीड़ित की पहचान हुई है। वहीं एक दिन पहले 116 डेंगू पीड़ित मिले थे। पीड़ितों में 88 पीएमसी और आईजीआईएमएस में हुई जांच में मिले हैं, जबकि जिला संक्रामक रोग पदाधिकारी कार्यालय को 82 की सूची अलग अलग अस्पतालों से मिली है। डॉक्टर सुभाष चंद्र प्रसाद ने बताया कि पटना शहर का कोई भी इलाका डेंगू से अछूता नहीं बचा है। बताया जा रहा है कि पटना का बाकी पूरा अंचल कंकड़बाग, पटना सिटी व आजमाबाद में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं। इसी तरह एनसीसी अंचल के कई मोहल्लों और पाटलिपुत्र अंचल में भी डेंगू भयानक रूप लेने लगा है। कहा गया कि बचाव के लिए नगर निगम की मदद से प्रभावित इलाकों में फॉगिंग कराई जा रही है। बाड़ी खबर में देखिए, राज्य में अब दशहरा बाद दोपहर में भी 1 घंटा मिलेगा नल से जल। जी हां, हर घर नल का जल योजना पार्ट 2 के तहत दशहरा बाद 1.63 करोड़ परिवार लाभुकों को अब दोपहर में 1 घंटा और शाम में 2 घंटा शुद्ध पानी मिलेगा। राज्य सरकार के स्वीकृति के बाद पीएचडी पंचायती राज विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है ताकि लाभुकों को दोपहर में खाने के दौरान पानी मिल सके और उन्हें सुबह का पानी स्टोर करके रखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। विभाग की यह भी कोशिश है कि 2 अक्टूबर इसकी शुरुआत कर दी जाए।
बड़ी खबर में देखिए, कवि गुरु सुपर एक्सप्रेस भागलपुर बांका पैसेंजर समेत बिहार के कई ट्रेनों का समय बदला। जी हां, रेलवे ने बिहार से खुलने और गुजरने वाले कई ट्रेनों का समय बदल दिया है। 1 अक्टूबर से नई सारणी पर ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। भागलपुर रेलखंड के कई ट्रेनों का समय भी बदला गया है। इसमें सबसे प्रमुख जमालपुर हावड़ा सुपर एक्सप्रेस भी जो अब 8:56 की जगह 9:41 में रात में भागलपुर पहुंचेगी और 9:51 हावड़ा के लिए रवाना होगी। इसके अलावा कवि गुरु एक्सप्रेस भागलपुर बांका पैसेंजर फरक्का एक्सप्रेस दानापुर मालदा इंटरसिटी समेत कई अन्य ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ाई गई है। कवि गुरु एक्सप्रेस ट्रेन जमालपुर से चलकर सुबह 5:50 में भागलपुर आते थे और 6:15 रवाना होते थे। अब यह ट्रेन 6:35 भागलपुर आएगी और 6:40 में रवाना हो जाएगी। मसलन भागलपुर में 25 मिनट की जगह महज 5 मिनट का स्टॉपेज होगा। वहीं भागलपुर बांका पैसेंजर पहले 6:35 भागलपुर से खुलते थे, अब 5:45 ही रवाना होगी। अगली खबर में देखिए, 17 वर्षों बाद एक बार फिर से नीतीश करेंगे विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले का उद्घाटन, तैयारियों में जुटा प्रशासन। जी हां, कोरोना के साए से निकलने पर अब 2 वर्षों की रोक के बाद इस बार विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला के भव्य आयोजन की तैयारी शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का उद्घाटन 6 नवम्बर को करेंगे। यह जानकारी सोनपुर के SDM सुनील कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि हरिहर क्षेत्र मेला के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री ने यहाँ के आने की स्वीकृति दे दी है। अब प्रशासन उनके आगमन के तैयारी में जुट गया है। आपको बता दें चले कि लगभग 17 वर्षों बाद यह पहला अवसर है जब CM नीतीश कुमार मेला का उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। वर्ष 2005 में मुख्यमंत्री बनने के बाद वह पहली बार हरिहर क्षेत्र मेला के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। इतने लंबे अंतराल के बाद भी उनके यहाँ आगमन से न केवल मेला के गौरव में वृद्धि होगी बल्कि इसके आकर्षण में भी बढ़ोतरी होगी। पर देखिए, आपके लिए है, अब एक के बाद सीधे 6 अक्टूबर को खुलेंगे बैंक। बिहार में अगले महीने 12 छुट्टियां, पहले ही निपटा ले अपना काम। जी हां, अगले माह यानी अक्टूबर में बैंक कामकाज को लेकर ग्राहकों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। बैंकों में त्योहारी छुट्टियां अधिक है। बिहार के संदर्भ में यह और विशेष हो जाता है क्योंकि यह दशहरा की लंबी छुट्टी है और छठ की भी छुट्टी है। त्योहारी और साप्ताहिक मिलाकर कुल 12 दिन बैंक बंद रहेंगे। खास बात यह है कि माह के पहले सप्ताह में लगातार 4 दिन बैंक बंद रहेंगे। बड़ी खबर में देखिए, अब एक साल में मिलेंगे सिर्फ 15 LPG सिलेंडर। साल में 12 से ज्यादा सिलेंडर पर नहीं मिलेगी सब्सिडी। जी हां, घरेलू LPG सिलेंडर यानी रसोई गैस की संख्या अब ग्राहकों के लिए फिक्स कर दी गई है। नए नियम के मुताबिक ग्राहकों को अब एक साल में सिर्फ 15 सिलेंडर ही दिए जाएंगे। इसके साथ ही हर महीने के लिए भी सिलेंडर को कोटा फिक्स कर दिया गया है। आप महीने में सिर्फ 2 सिलेंडर ही ले पाएंगे। अभी तक सिलेंडर पाने के लिए महीने या साल का यह कोटा कोई फिक्स नहीं था। नए नियम के मुताबिक अब साल में 12 सिलेंडर पर ही सब्सिडी मिलेगी। इसके बाद अगर आप सिलेंडर लेते हैं तो उस पर सरकार सब्सिडी नहीं देगी और आपको बिना सब्सिडी वाली कीमत में ही सिलेंडर खरीदना होगा। अभी तक घरेलू गैर सब्सिडी कनेक्शन धारक अपनी मनचाही संख्या में सिलेंडर पा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। रिपोर्ट के मुताबिक नियम लागू किए जा चुके हैं। ये नए नियम इसलिए लागू किए गए हैं क्योंकि काफी समय से शिकायतें मिल रही थी कि घरेलू गैर सब्सिडी की रिफिल कमर्शियल सिलेंडर से सस्ते होने की वजह से वहां इसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा था, जिसकी वजह से सिलेंडर को कोटा फिक्स कर दिया गया है। वहीं आपको बता दें कि 1 अक्टूबर से LPG सिलेंडर की कीमत बढ़ सकती है। 1 अक्टूबर को होने वाली कीमतों की समीक्षा में नेचुरल गैस के दाम बढ़ाए जा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह बिहार के डेली न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।